सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स रैंडम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। आई होप आप सबकी डेली पुलिस की प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी और आपकी उसी प्रिपरेशन को चार चांद लगाने के लिए और आपकी और ज़्यादा हेल्प करने के लिए मैं दिल्ली पुलिस की जो जनरल साइंस की सीरीज मैंने स्टार्ट की हुई है उसके थर्ड पार्ट लेकर आई हूँ। आज हम अगेन प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, डिस्कस करेंगे उनको, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को विद आंसर, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं एक्सप्लेन करूंगी। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई या फिर आपको कुछ और एक्स्ट्रा उसमें चाहिए मुझे ऐडअप करना है तो भी वो मुझे आप कमेंट करके प्लीज़ बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फिजिक्स फैंटम को। थैंक यू। नाउ लेट स्टार्ट। जनरल साइंस सामान्य विज्ञान बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास 11th और 12th में साइंस नहीं होती या फिर जिनको साइंस का फोबिया होता है। तो वो यूजुअली क्या करते हैं, क्योंकि इसके 7 to 8 क्वेश्चंस आते हैं, मैक्स टू मैक्स 10-15 पहुंच जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को वो लोग अवॉइड कर देते हैं जिसकी वजह से उनके मार्क्स पे, रैंक पे बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। तो ये ज़्यादा टफ नहीं होता अगर हम डेली बेसिस पे इसकी प्रैक्टिस करें, इसलिए मैं इनकी जो जनरल साइंस है इसकी छोटी छोटी वीडियोस लेकर आती हूँ जिसमें 10 to 15 मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस होते हैं जो आप डेली अगर आप करेंगे तो अपनी स्टडी पे ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं ला पाएंगे और मतलब आप अच्छे से इसको कर पाएंगे, बर्डन नहीं आएगा आपके ऊपर। नाउ स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इन टू द बॉडी इज कॉल्ड। ऑक्सीजन युक्त हवा को शरीर में लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अब देखिए, हम एक बार होता है कि जब हम सांस अंदर लेते हैं और एक बार हम सांस बाहर की साइड छोड़ते हैं, तो जब हम अंदर की साइड लेते हैं तो उस टाइम पे ऑक्सीजन जाती है और जब हम बाहर की साइड छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, ये हम सबको पता है। उसके बाद में क्वेश्चन ये आता है कि इस प्रोसेस को, सांस को अंदर लेने को, मीन्स कि ऑक्सीजन जब अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है। तो जब अंदर जाने की बात करते हैं तो उसे हम इनहेलेशन कहते हैं, प्रवेशन, एंड जब हम बाहर की साइड कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं तो उसको एक्सहेलेशन कहते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस हैं इसके अलावा मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो आपसे डिस्कस करूंगी, तो प्लीज़ आप अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठिएगा ताकि आप जब ये क्वेश्चंस सुने तो आप उनको नोट डाउन कर सकें। सो आंसर इज इनहेलेशन। अब देखिए नेक्स्ट है इसमें, द लिवर, ब्रेन एंड हार्ट कंज्यूम द मोस्ट ऑक्सीजन इन द बॉडी। हमारी बॉडी में जो ह्यूमन बॉडी है उसमें 3 ऑर्गन्स हैं जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रखते हैं, कंटेन करते हैं। फर्स्ट है लिवर, सेकेंड ब्रेन एंड थर्ड वन इज हार्ट। द लिवर कंज्यूम्स 22.4%, द ब्रेन 18.4% एंड द हार्ट इज 11.6%। ये रेशियो लिखा है मैंने कि कितने कितने परसेंट ऑक्सीजन अप्रोक्सीजन में होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिजीज लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय। पेचिस तथा मलेरिया किस बीमारी द्वारा होते हैं। तो आंसर है प्रोटोजोआ। हमने बहुत सारी बीमारियां देखी हैं और जो अभी हमारा 2020 का टाइम चल रहा है उसमें तो कुछ भी हो रहा है। तो देखिए बीमारियां क्या है, ये वायरस से भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया से भी हो सकती हैं, किसी भी चीज़ से ना बीमारियां आ जाती है, लेकिन हर एक बीमारी का एक सोर्स होता है। तो अब इसमें हमें जो 2 बीमारियां दे रखी हैं जिसमें पेचिस और मलेरिया है, डायसेंट्री एंड मलेरिया, तो ये किसके थ्रू होती है, प्रोटोजोआ के थ्रू। अब प्रोटोजोआ की अगर हम बात करें, हिंदी में भी इसको प्रोटोजोआ ही बोलेंगे, ये सिंगल सेल होते हैं, सिंगल सेल का मतलब जिनमें एक कोशिका होती है, और दूसरे होते हैं बहुकोशिक। तो ये एक कोशिक होते हैं, सिंगल सेल होते हैं। इसके अलावा ये बहुत सारी शेप्स एंड साइज में आते हैं, मींस कि जो प्रोटोजोआ होते हैं इनकी साइज एंड शेप फिक्स नहीं होती है, फॉर एग्जांपल अमीबा से लेके पैरामीशियम तक। अब देखिए अमीबा आप सबने देखा है, आपने 9th-10th की बुक्स में देखा होगा आपने कि जो अमीबा है उसका स्ट्रक्चर बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा होता है, कोई फिक्स शेप नहीं होती है।
आप जब फर्स्ट टाइम अमीबा ड्रॉ करते हैं कुछ और शेप होगी, नेक्स्ट फेज पे अमीबा आपका कुछ अलग शेप में थोड़ा बहुत बन रहा हो, मतलब सिमिलैरिटीज आती हैं बट उसकी शेप फिक्स नहीं होती है। जैसे ह्यूमन बॉडी है वही आप सेम स्ट्रक्चर बनाएंगे, नीचे लेग्स बनाएंगे ऊपर हैंड्स बनाएंगे, ऐसा नहीं है ना कि आप लेग्स को ऊपर की साइड बना देंगे। तो जैसे ह्यूमन बॉडी फिक्स होती है, मल्टी सेलुलर होते हैं हम लोग, बहुकोशिक होते हैं तो हमारा फिक्स होता है, लेकिन जो ये एक कोशिक में अमीबा का एग्जाम्पल दिया मैंने, ये फिक्स नहीं होते। तो प्रोटोजोआ किसी भी शेप में हो सकते हैं। फिक्स शेप की बात करें तो अमीबा एग्जाम्पल है, सॉरी अगर फिक्स शेप की बात करें तो पैरामीशियम उसका एग्जाम्पल है, क्योंकि पैरामीशियम की जो शेप होती है वो फिक्स होती है। वहीं अगर आप अमीबा को देखेंगे तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती है। तो नाउ प्रोटोजोआ दे लिव इन अ वाइड वेराइटी ऑफ मॉइस्ट हैबिट इंक्लूडिंग फ्रेश वाटर, मरीन एनवायरमेंट एंड सॉइल। तो यहाँ प्रोटोजोआ कहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है या कहाँ पे वो स्टे करता है, तो ये हमेशा जहाँ पे मॉइस्ट होता है, मतलब कि मॉइस्चर जहाँ पे होता है, थोड़ी सी नमी जहाँ होती है, ऐसे वाले वातावरण में। उसके अलावा इसमें इंक्लूड होते हैं फ्रेश वाटर, मरीन एनवायरनमेंट या फिर सॉइल जो थोड़ी सी गीली होती है। तो इन सब चीज़ों में ये प्रोटोजोआ में पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट आर द ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी, पारदर्शी वस्तु क्या होती है या पारदर्शी वस्तु जिसके द्वारा हम वस्तु को, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स या पारदर्शी वो होते हैं जिनमें हम क्लियरली देख सकते हैं, आंसर इज स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ वेव इज प्रोड्यूस इन अ गिटार वायर, कौन से टाइप की जो वेव होती है या जो तरंग होती है वो किस टाइप की तरंग गिटार में या सारंगी के तारों में उत्पन्न होती है जब हम उसको प्ले करते हैं। नाउ देखिए इसमें आपकी जो आंसर आएगा, इसमें आंसर है ट्रांसवर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुप्रस। अब ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, इज अ मूविंग वेव दैट इज मेड अप ऑफ ऑसिलेशंस हैपनिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने पेंडुलम को देखा होगा, एक पेंडुलम या फिर किसी वॉब को आप रस्सी या थ्रेड से बांध दीजिए और फिर उसको रोटेट करवाइए, तो वो इस तरीके से जो फॉर्मेशंस होती हैं ऐसे बनता हुआ जाता है, उसको हम ऑसिलेशंस कहते हैं। इसके अलावा ये एग्जांपल जो ठहरा हुआ पानी होता है उसके अंदर अगर हम पत्थर फेंकते हैं तो भी हमारी ऐसे राउंड्स में वेव्स बनती हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे ट्रांसवर्स के, अनुप्रस्थ के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द लाइटेस्ट एंड द हैवीएस्ट मेटल इन द पीरियोडिक टेबल। जब भी कभी हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, फिर चाहे आपका वो SSC ले लीजिए या फिर दिल्ली पुलिस कंडक्ट करवा रही है वो एग्जाम्स ले लीजिए, UPSC कंडक्ट करवा रहा है, मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है साइंस में, जर्नल साइंस में, वो आपका पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इजी कंसेप्ट होता है अगर समझ आ जाए, और नहीं आए तो फिर रटना इसका लास्ट ऑप्शन बचता है, बट ये समझ आ सकता है अगर आप बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़े। तो क्वेश्चन है, लाइटेस्ट एंड द हैवीएस्ट मेटल इन द पीरियोडिक टेबल। लाइटेस्ट सबसे हल्का और हैवीएस्ट मींस कि सबसे भारी ऑब्जेक्ट, सॉरी धातु, मेटल का मतलब होता है धातु, पीरियोडिक टेबल में कौन सी है, जो हमारी आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी जिसको हम पढ़ते हैं, उसमें सबसे लाइटेस्ट एंड हैवीएस्ट मेटल कौन सा है, कौन सी सबसे हल्की और भारी धातु है। तो आंसर है, लाइटेस्ट की बात करें तो लिथियम है एंड हैवीएस्ट की बात करें तो ऑस्मियम है। मैंने यहाँ दोनों का कंपैरिजन दिया है, सबसे पहले लिथियम का देखिए, लाइटेस्ट होता है, सिंबल इसका Li होता है, एटॉमिक नंबर 3, इट मींस कि ये जो हमारी पीरियोडिक टेबल है आवर्त सारणी है उसमें ये नंबर 3 पर आता है। ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ईच एंड एवरी लाइन को अच्छे से नोट करिएगा और समझिएगा। और अगर आपको इस वीडियो में जितना भी कुछ मैंने क्वेश्चंस को डिस्कस किया है इनकी अगर PDF चाहिए तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट करके मांग लीजिएगा। नाउ अगर पीरियड की बात करें मींस की आवर्त, तो वो 2 है, इसमें ये सेकेंड नंबर पे आता है, ब्लॉक एस ब्लॉक है, ब्लॉक हमारे टोटल 4 होते हैं पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में, SP D एंड F, उसमें से ये एस ब्लॉक में आता है। यूजेस की बात करते हैं लिथियम की, ये रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं उनमें या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या फिर किसी गैजेट में इसका यूज किया जाता है। और ऑस्मियम सेकेंड है, सबसे हैवीएस्ट मीन्स की सबसे भारी धातु होती है ये पीरियोडिक टेबल में, OS इसका सिंबल है और इसका एटॉमिक नंबर है 76, मीन्स की ये हमारी
आवर्त सारणी में 76 नंबर पर होता है। पीरियड की देखिए, ये 6 नंबर का पीरियड है। नाउ ब्लॉक, डी ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद में यूजेस हैं, इसका यूज किया जाता है जो पेन की टिप्स होती हैं या फिर पिवट। पिवट का मतलब क्या होता है, जो टायर्स होते हैं किसी भी व्हीकल में, उसमें जो सेंटर में जो पार्ट लगा हुआ होता है, साइड का जो होता है वो रबर का होता है, लेकिन जो सेंटर वाला पार्ट होता है ना उसको पिवट कहते हैं। तो वो बनाने में भी ऑस्मियम का यूज किया जाता है, या फिर निडल्स मीन्स की सुई, और या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट्स में जिसको लाना होता है, ऐसी कुछ चीजें हम ऑस्मियम से बनाते हैं। तो ये दोनों कंपैरिजन थे, अगर कुछ समझ ना आए तो प्लीज मुझसे दोबारा से रिपीट करवा लीजिएगा और इन्हें अच्छे से लर्न कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं, या शक्ति केंद्र कोशिका का किसे कहा जाता है। इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत बार ये एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, तो इसको अच्छे से लर्न कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड सेल इन 1665 में कोशिका की खोज किसने की थी। आंसर है रॉबर्ट हुक। अगर आपसे ये ईयर ना दिया जाए, स्टिल पूछा जाए कोशिका की खोज किसने की थी, तो भी आंसर रॉबर्ट हुक ही है। सबसे पहले इन्होंने ही सेल को डिस्कवर किया था या कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर, वो कौन सी धातु है जो कि कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसका आंसर है मर्क्यूरी, हिंदी में इसको पारा कहते हैं, और ये आपने थर्मामीटर में देखी होगी, जब आप फीवर अपनी बॉडी टेम्परेचर चेक करवाने जाते हैं तो उसमें जो थर्मामीटर में फिल की जाती है वो मर्क्यूरी होती है। इसके अलावा इसका सिंबल Hg होता है, और एटॉमिक नंबर की मीन्स की जो हमारी आवर्त सारणी है उसमें इसकी प्लेस 80 नंबर होता है, इसका एटॉमिक नंबर है परमाणु संख्या 80। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ब्लड सेल्स आर कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। आंसर है WBC, RBC और प्लेटलेट्स, ये हमारे प्लाज्मा के मेन कॉम्पोनेंट्स होते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इन तीनों को अलग से डिस्कस करने वाले हैं, बट अभी जो क्वेश्चन है इसमें यह है कि विच ब्लड सेल्स, कौन सी कोशिका को, कौन सी रक्त कोशिका को हमारी बॉडी के सोल्जर कहा जाता है। WBCs मीन्स की वाइट ब्लड सेल्स, जिसको श्वेत रक्त कोशिकाएं कहते हैं, ये हमारी बॉडी की सोल्जर्स होती है, मीन्स की सैनिक होते हैं। जैसे सोल्जर्स का काम क्या होता है, हमें प्रोटेक्ट करना, इसी तरीके से जो हमारी श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं WBC हैं, ये हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाती हैं, और कोई भी बाहर से कोई बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है तो कई बार वो बिना ट्रीटमेंट के ही ठीक हो जाता है। बहुत बार आपने देखा होगा ऐसे छोटी छोटी बीमारियां होती है, लाइक कोल्ड हो गया, आपको कफ हो गया और हल्का सा फीवर है, तो बहुत बार ऐसा होता है अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा अच्छी है तो उस टाइम पे आप बिना मेडिसिन के या बिना किसी ट्रीटमेंट के ही ठीक हो जाते हैं। तो वो किस वजह से हो पाता है, हमारी WBCs की वजह से, क्योंकि ये हमारी सोल्जर्स होती है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है किसी भी डिजीज से या फिर कोई भी एक्सटर्नल बैक्टीरिया या फॉरेन बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आ जाए तो। अब देखिए, WBC वाइट ब्लड सेल्स प्रोवाइड इम्यूनिटी टू आवर बॉडी, दे हेल्प इन फाइटिंग अगेंस्ट डिजीज, इन्फेक्शन, एलर्जीज एंड आउटर पार्टिकल्स। दीज सेल्स कीप आर बॉडी सेफ एंड हेल्थी, मच लाइक द सोल्जर्स ऑफ द नेशन। जैसे हमारे जो सोल्जर्स हैं हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं, सेम ऐसे ही हमारी जो WBCs हैं ये हमारी बॉडी के सोल्जर्स होते हैं जो हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स आर कोटेड विद। जो नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, मतलब जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं जिनपे खाना चिपकता नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब अच्छी सी फैसिलिटी मिल जाती है या बहुत ही ज्यादा फायदा हो जाता है उनमें कुकिंग करने से, तो वो कुकिंग जो यूटेंसिल्स होते हैं उनको किससे कोट किया जाता है। आंसर इज टेफ्लोन। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है इन 10 क्वेश्चंस में जो आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं दोबारा से उस क्वेश्चन को समझा दूंगी। और अगर आपको PDF चाहिए तो प्लीज वो भी कमेंट करके मुझसे मांग लीजिएगा, एंड ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए। इस सीरीज की जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एंड प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।